हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज अवर टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए, हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का जो हमारा 12th सिलेबस का जो सीरीज चल रहा है वो प्रोवाइड कराया। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड हमारा आज का लेक्चर होगा। देखियो, गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्सन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट लेक्चर नंबर थर्ड। फर्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा मैथमेटिकल टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मींस अपने पास टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है ये ऐसा, और दोनों में हम जब करंट सप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो कराने से क्या करते हैं, दोनों अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। अब जब दोनों अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उस फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है। ये फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है, क्लियर? सपोज दिस इज फर्स्ट कंडक्टर एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फर्स्ट इज आई वन एंड डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड इज, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। अब हमने क्या किया, इससे डी डिस्टेंस पर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकंड नंबर का कंडक्टर लिया। सेकंड नंबर के कंडक्टर में हमने I2 करंट फ्लो कराया, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराने से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और फर्स्ट नंबर के करंट में जो करंट सप्लाई करें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, दोनों के बीच का हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, क्लियर? तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, इस फर्स्ट कंडक्टर के कारण इससे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, इसके लिए इंटेंसिटी होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1 अपॉन डी, क्योंकि सेकंड कंडक्टर और फर्स्ट कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस डी है और I1 करंट इसे फ्लो हो रहा है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट फोर्स ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन कंडक्टर सेकंड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर इज एफ, एंड एफ का हम फार्मूला जानते हैं, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई टू एल बी और थीटा 90 डिग्री है क्योंकि कंडक्टर्स पैरेलल हैं, तो इसके जो परपेंडिकुलर हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और उस टाइम में जो थीटा का वैल्यू होता है वो जीरो होता है, सॉरी ना हाँ जीरो सॉरी 90 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे। मैं लिख ही देता हूँ एक बार, साइन 90, क्योंकि फार्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। जब कंडक्टर्स पैरेलल होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल आई टू इंटू एल, और बी का वैल्यू हम जो यहाँ से निकाल के रखे हैं वो वहाँ पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1 अपॉन डी एंड साइन 90 इज
1. That implies F equal mu naught upon 4 pi 2 I1 into I2 into L upon D. ये हो जाएगा. अब यहाँ पर हम सपोज कंसिडर कर लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज यूनिट. सपोज ये कंडक्टर यहाँ जो यूज़ किया गया है वो यूनिट लेंथ के हैं, तो देयर फोर एफ इक्वल टू म्यू नाट अपॉन फोर पाई टू आई वन इंटू आई टू अपॉन डी. ये जो फाइनल इक्वेशन होगा ये है फोर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर. क्लियर? इस तरह से हम टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर के बिटवीन फोर्स फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बार न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, ये आप प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर देखो एक डिवाइस है, और इस डिवाइस की हेल्प से अपन क्या करते हैं, हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, और करंट फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पता करते हैं. गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स के होते हैं. मैं एक बार इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दूं आपको. वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर. फर्स्ट इज मूविंग मैग्नेट. फर्स्ट गैल्वेनोमीटर इज मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, एंड सेकेंड इज मूविंग कॉयल. जैसा कि नाम से क्लियर है, इस गैल्वेनोमीटर में मूव होता है मैग्नेट, मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होता है, ये मूविंग मैग्नेट कहलाता है, इसमें कॉयल में डिफ्लेक्शन होता है. ये टू टाइप्स के गैल्वेनोमीटर होते हैं. इसका एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द एग्जांपल ऑफ मूविंग कॉयल, मूविंग मैग्नेट. और मूविंग कॉयल के टू इसके एग्जांपल हैं. फर्स्ट इज सस्पेंडेड कॉयल, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, एंड सेकंड इज पिवोटेड कॉयल, एंड इट इज आल्सो नोन एज वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर के इतने टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, सभी बोर्ड के सिलेबस में, सीबीएसई में, रीजनल बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, सबके सिलेबस में ओनली मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर सिलेबस में होता है. एक्चुअल में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. हम प्रैक्टिकल लाइफ में मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ही यूज़ करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर और इसके दोनों टाइप, सस्पेंडेड कॉयल एंड पिवोटेड कॉयल. क्लियर? ये हम नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए मैं इसको बता दिया. तो इसका हमको स्टडी नहीं करना है. नेक्स्ट मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर. क्लियर? ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया इसका. मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर मैंने बताया कि इसमें कॉयल क्या होता है, मूव करता है. और मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो होता है आई प्रोपोर्शनल टू थीटा. आई प्रोपोर्शनल टू थीटा इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, वेयर आई इज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, एंड द थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉयल, क्योंकि इसमें कॉयल में डिफ्लेक्शन होता है. क्लियर? तो यहां पर हम इसके एक एक टाइप को पढ़ते हैं. फर्स्ट पहले अपन पढ़ लेते हैं सस्पेंडेड, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर. सस्पेंडेड कॉयल, सस्पेंडेड मतलब होता है लटकाना. इसको हम सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो कॉयल होता है वह एक वायर से लटका हुआ होता है. देखिए,
ये फिगर से आपको समझ में आएगा, और मैं इस फिगर को समझाने के बाद आपको अपने बोर्ड में इसका रियल फिगर भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा। ये एक डिवाइस है, इसका रियल फिगर भी मैं आपको बोर्ड में डिस्प्ले कर दूंगा। ये इसमें देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के टू हार्सो मैग्नेट के टू कॉनकेव कटिंग पोल्स होते हैं। इसके बीच में एक क्वाइल ये सस्पेंडेड होता है, ये है सस्पेंडेड, इसीलिए इसका नाम है सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ये सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है, और ये जो वायर लटका हुआ है ये एक स्पेशल मटेरियल का होता है, दैट इज फास्फर ब्रांज। ब्रांज एक एलाइज है, तो फास्फर ब्रांज का एक एलाइज होता है। फास्फर ब्रांज स्पेशली इसमें यूज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका ट्विस्टिंग जो कोफिशियंट होता है, ट्विस्टिंग टार्क होता है, वो बहुत कम होता है। मतलब एक ट्विस्ट होने के बाद जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो इनिशियली अपने कंडीशन में वापस चलाता है। इसके बाद यहाँ पर एक हम प्लेन मिरर लगा के रखते हैं, ये मिरर है, मिरर से हम इसका डिफ्लेक्शन देखते हैं, और यहाँ पर ये नीडिल होता है, नीडिल जो है ये मीटर स्केल पर बेस्ड होता है इस तरह से। अभी आपको इसका रियल फिगर में डिस्प्ले कर दूंगा बोर्ड पर। अभी तो मैं आपको इसका फार्मूला डिराइव कर दूं, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसके बाद क्या होता है, इसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, और जब हमको इसमें से करंट मेजर करंट अपने को जानना होता है इसमें सप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं करंट को इसको अपन इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे हम करंट इसके साथ कनेक्ट करते हैं इस टर्मिनल से, तो यहाँ पर टार्क डेवलप होता है, ये दोनों इंड में टार्क डेवलप होता है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में सब बताया गया है। ये जो टार्क डेवलप होता है वो क्या करता है, इसको ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट करने से ये क्या होता है, इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये सपोज ये क्वाइल है तो ये इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, और जिस पर ये लटका हुआ रहता है वो ट्विस्ट होता है, हटता है, और जैसे ही हटता है तो फिर क्या होता है, इसमें ये जो नीडिल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और हमको पता चल जाता है कि सर्किट से करेंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद जैसे हम यहाँ से करंट पास करना बंद करते हैं तो क्या होता है, ये इसका ट्विस्ट रिटर्न आ जाता है, इसीलिए इसको फास्फर ब्रांच का बनाया जाता है। सपोज हम फास्फर ब्रांच की जगह में किसी दूसरे मटेरियल को यूज़ कर लें तो क्या होगा, ट्विस्ट तो हो जाएगा। सपोज हम कॉपर वायर का यूज़ कर दिए, एल्यूमिनियम वायर यूज़ कर दिए, तो ट्विस्ट होने के बाद वो रिटर्न वापस नहीं आएगा। क्लियर। मैग्नेट के पोल को कॉनकेव इसलिए कटिंग करते हैं, इसका भी रीजन है, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, गिव रीजन में वन वर्ड आंसर में। इसको कॉनकेव कटिंग करने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं, ताकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन में थीटा को 90 डिग्री ले सकें। क्लियर। नाउ प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल, अब हम इस प्रिंसिपल को प्रूफ करते हैं। हियर टार्क, हमने टार्क का पढ़ा है, टॉ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, बट हियर थीटा इज 90 डिग्री। मैंने बताया कि मैग्नेट के पोल को क्या करते हैं, कॉनकेव कटिंग करते हैं, दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा टाई इक्वल टू एन आई इंटू बी। क्लियर। एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यहाँ थीटा का वैल्यू हमने 90 पुट किया, साइन 90 इज 1, एंड ट्विस्टिंग टार्क, ये क्या होता है, यार ट्विस्टिंग टार्क फोर्स ऑफ कपल इक्वल टू सी इंटू थीटा, सी इंटू थीटा। ये क्या होता है, जब हम किसी वायर को ट्विस्ट करते हैं तो वायर को ट्विस्ट करने पर भी हम टार्क अप्लाई करते हैं, क्योंकि विदाउट टार्क हम किसी भी बॉडी को, किसी भी वायर को हम ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो ये ट्विस्टिंग टार्क होता है वो ये टार्सन कोफिशियंट कॉन्स्टेंट इंटू डिफ्लेक्शन, जितने डिग्री से हमने उसको ट्विस्ट किया, जैसे यहाँ पर हम वायर को ट्विस्ट कर रहे हैं ऐसा ऐंठ रहे हैं, तो जितने डिग्री से, इसीलिए यहाँ पर ये मिरर लगा होता है, यहाँ सपोज थीटा डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ तो थीटा होता है। देयरफॉर दोनों एक ही बॉडी पर टार्क है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एन आई ए बी इक्वल सी इंटू थीटा। दैट इंप्लाइज यहाँ पर आई को लेफ्ट साइड में रख लें,
बाकी क्वांटिटीज को राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, सी इंटू थीटा अपॉन एन ए बी, दैट इम्प्लाइज आई। अब यहाँ पर देखिए थीटा को छोड़ के ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कांस्टेंट हैं, सी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन बन जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज द अमाउंट ऑफ करेंट, द अमाउंट ऑफ करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द क्वाइल। इस पर हम जितना करंट फ्लो कराते हैं वह क्वाइल में जितना डिफ्लेक्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो मैंने सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर आपको बताया इसका रियल फिगर मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर ये इसका रियल फिगर है, ये मैंने उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझाने के लिए बताया, बाकी ये इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हैं, ये है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का कौन सा टाइप, सस्पेंडेड क्वाइल। नाउ नेक्स्ट इज पियोटेड क्वाइल, तो देखिए पियोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका प्रिंसिपल एज इट इज होगा, बस उसमें क्या किया गया ये कंस्ट्रक्शन में चेंज किया गया, प्रिंसिपल सेम होगा, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है देखिए आप, सेकंड इज पियोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, पियोट मतलब क्या हो, देखिए इस गैल्वेनोमीटर में प्रॉब्लम क्या था, पहले हम नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करने से पहले यह बताएं आपको कि इस गैल्वेनोमीटर में सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर में क्या प्रॉब्लम था। इसमें प्रॉब्लम यह था कि जिस स्ट्रिंग से वो लटका हुआ था तो उसको ट्विस्ट करने के लिए, उसको ऐंठने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अपने को जानना है तो उसको सफिशियंट टार्क फोर्स नहीं मिलता था जिसके कारण उस वायर में ट्विस्ट नहीं होता था तो वो नहीं बता पाता था, और सपोज कहीं पर हम बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ट्विस्ट इतना सडन हो जाता था कि वो जो वायर होता था वो ब्रेक हो जाता था। इस तरह से सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, वेस्टर्न नाम के साइंटिस्ट ने उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको एक पियोट, पियोट किस तरह से होता है देखिए हमें कंस्ट्रक्शन में आपको समझाता हूँ, बाकी इसका भी फिगर मैं आपको बोर्ड में डिस्प्ले कर दूंगा। एक्चुअल में इस तरह के डिवाइस रियल पिक्चर देखने से बहुत अच्छे समझ में आता है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल और यहाँ पर है ये हमारा, अब इसमें इस किनारे पर और यहाँ पर ये एक पियोट होता है, पियोट मतलब ऐसा नुकीला, नुकीले चीज़ को हम पियोट बोलते हैं, नोक होता है नुकीला होता है, जैसे मेरा ये मार्कर का पॉइंट है उसको हम पियोट कह सकते हैं। अब जैसे ये पियोट जो है इस मार्कर के कवर में इस तरह से हम उसको क्या कर दें, अटैच कर दें, मतलब वहाँ पर वो मूव भी हो सके और परमानेंट अटैच भी मत हो, तो इस तरह से यहाँ पर एक सिचुएशन बनाया गया कि इस पियोट को इस कैविटी में इस तरह से एडजस्ट किया गया, इसीलिए इसका नाम है पियोटेड, पियोटेड क्वाइल। और यहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग लगाया गया, हेयर स्प्रिंग मतलब बाल जैसा एकदम पतला स्प्रिंग, इसीलिए उसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग, ये हेयर स्प्रिंग S1, हेयर स्प्रिंग S2 और यहाँ से फिर हम कनेक्शन के लिए पॉइंट ले लिए, वो तो अलग मैटर, ये हो गया, बाकी सब नीडिल वगैरह सेम वैसे ही होते हैं ऐसा। अब दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, क्या हुआ जैसे हम इसमें करंट सप्लाई किए तो करंट सप्लाई करने से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हम करंट सप्लाई करेंगे तो उसी तरह से इसमें भी ट्विस्ट होगा, ये घूमेगा, मूव करेगा ये, लेकिन मूव करेगा तो अब यहाँ पर जो पियोट है वो परमानेंट अटैच नहीं है, वहाँ पर वो फंसा हुआ है सर, तो वो क्या होगा उस पर मूव हो जाएगा आसानी से, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मूव हो जाएगा और वायर टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम क्या है करंट सप्लाई करना बंद करेंगे तो ये जो हेयर स्प्रिंग S1 S2 लगा है वो उसको क्या करेगा, वापस अपने कंडीशन में वापस ले लेगा। तो दोनों को आप कंपेरेटिवली समझिए कि वहाँ पर एक वायर में परमानेंट अटैच था, परमानेंट उसमें ज्वाइंट था, वो ट्विस्ट होता था, यहाँ ट्विस्ट जैसा कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर पियोट क्या है वहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है पियोटेड। एंड प्रिंसिपल इज सेम, प्रिंसिपल सेम टू सेम होगा, और यहाँ पर भी इसका मैं फिगर आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आप दोनों में देखिए, पहले वाला फिगर आप देखे होंगे, अभी वाला आप फिगर देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पियोटेड क्वाइल में किस तरह से पियोट में उसको ज्वाइन किया गया है, क्लियर, ये कहलाता है
पीओटेट को है गैल्वेनोमीटर। और इसमें एक हमको मैथमेटिकल टर्म्स और समझना है, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी मतलब होता है एस इक्वल टू थीटा अपन आई, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड अमाउंट ऑफ करेंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव मतलब कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट को भी वो हमको मेजर करके बता सकता है। इस फार्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंस यहां पर आप देखिए आई इक्वल टू सी इंटू थीटा, आई इक्वल टू सी इंटू थीटा अपन एन ए बी, देयरफॉर इसको हम थीटा अपन आई कर दें तो आई को उधर ट्रांसफर कर दें, थीटा अपन आई इधर ट्रांसफर हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी, देयरफॉर एस इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। दिस इज द आल्सो फार्मूला ऑफ द सेंसिटिविटी। यहाँ आप देखिए कि सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन सी के इक्वल होता है, और यहाँ पर हम इसका डिपेंडेंसी अपन स्टडी कर सकते हैं। तो एस का वैल्यू ये फोर फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस तरह से, फर्स्ट एस प्रोपोर्शनल टू एन क्योंकि न्यूमरेटर में है, सेकंड एस प्रोपोर्शनल टू ए, थर्ड एस प्रोपोर्शनल टू बी, एंड फोर इज एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द सी। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यदि हमको गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो इनके प्रोपोर्शनल टू है मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। एन क्या है यहाँ पर, ये जो क्वाइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। यदि आप लोगों ने मेरा इसका पहले वाला वीडियो देखा होगा पार्ट टू, तो आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने आपसे एक बात की थी कि जब तक आपको वो मेरा सेकंड पोर्शन का सेशन आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ये सब आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसे कोरिलेटेड है। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो थर्ड समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जितना ज़्यादा हम वायर उसमें लपेटेंगे वो सेंसिटिव होगा, मतलब अच्छा गैल्वेनोमीटर बनेगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द लूप, ये लूप का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना सेंसिटिव होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने दो मैग्नेट यूज़ किया है, ये दोनों मैग्नेट का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना सेंसिटिव होगा। बट सी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी इज़ टॉर्सन कोफिशियंट, तो जो हम वायर वहाँ पर लगाए हैं उसका जो टॉर्सन कोफिशियंट है वो क्या हो, मिनिमम हो, तभी क्या होगा, अच्छा हमको गैल्वेनोमीटर मिलेगा, मतलब गुड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनेगा। ये है पीओटेट कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से हमने आपको दो गैल्वेनोमीटर पढ़ाया, मूविंग कॉयल का, फर्स्ट इज सस्पेंडेड एंड सेकंड इज पीओटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में प्रायः इससे क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज संट। संट भी इस चैप्टर का, वैसे आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट या करंट है कम्प्लीटली मैथमेटिकल डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक है। इस चैप्टर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस चैप्टर में फार्मूला डेरिवेशन, जितना ज़्यादा फार्मूला होता है न्यूमेरिकल्स उतने ही अधिक होते हैं, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल्स फार्मूला पर बेस्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज संट। व्हाट इज संट? देखिए संट क्या है, एक वायर है, संट एक सिंपल वायर है, लेकिन इस वायर का दो स्पेशल प्रॉपर्टी है। इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज संट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर। पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एंड सेकंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल, पैरेलल कंबाइन किया जाता है। संट हैव टू प्रॉपर्टीज, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ एनी सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संट, ए लो रेजिस्टेंस वायर विच कनेक्ट ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड संट। मतलब लो रेजिस्टेंस का एक ऐसा वायर जो किसी भी सर्किट में हमेशा पैरेलल कंबाइन किया जाए वो संट कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए कंडीशन है, सपोज आपने इस वायर को किसी सर्किट में सीरीज में कंबाइन कर दिया तो वो संट नहीं कहलाएगा।
इसके पास दोनों प्रॉपर्टी मस्ट नेसेसरी है। फर्स्ट, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, आप भूलेंगे नहीं ये बात, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। और दूसरा क्या है, किसी भी सर्किट में इसको हमेशा पैरेलल कंबाइन करना है। अब हम इसका पढ़ते हैं प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए इसके प्रिंसिपल को समझने से पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। देखिए यहां पर एक सर्किट बनाया, ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के साथ ये हमने एक रो रेजिस्टेंस वायर लगाया, ये शंट है। सपोज यहां पर हम आई करंट सप्लाई करते हैं, अब आई करंट इस सर्किट में जाके इस जंक्शन में टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई जी विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड थ्रू शंट इज सपोज आई एस, बाद में फिर यहां पर क्या हो जाएंगे आई, ये है शंट गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट किया गया है, क्लियर। अब यहां पर देखिए, हियर टोटल करंट आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, रिलेशन नंबर फर्स्ट। आप यहां पर देखिए कि टोटल करंट आई जी प्लस आई एस के इक्वल होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट, इसको हमने कह दिया वी एस इक्वल टू हो जाएगा आई एस इंटू एस, पोटेंशियल इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वी जी, इसको हमने वी जी रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ वी एस इक्वल टू वी जी क्यों होगा, वी एस वी जी के क्यों होगा, आप समझ पा रहे हैं क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये बात कि गैल्वेनोमीटर और शंट यहाँ पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जब भी जितने भी डिवाइस हैं उनको हम पैरेलल कंबाइन करते हैं तो उनका पोटेंशियल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब में आपने देखा है कि जब भी हमारे डिवाइस पैरेलल कंबाइन होते हैं तो उनके पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए चूंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल कंबाइन किए गए हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इंप्लाइज हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, वी एस का वैल्यू ये है अपने पास, आई एस इंटू एस इक्वल टू ये हो जाएगा आई जी इंटू जी। दैट इंप्लाइज आई आई को एक साइड में सेपरेट कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं आई जी अपान आई एस, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए इसको इधर, तो ये हो जाएगा आई एस अपान आई जी, इधर ट्रांसफर किया इक्वल टू जी अपान एस। नाउ एड वन बोथ साइड, आई एस अपान आई जी प्लस वन हमने ऐड कर दिया जी अपान एस प्लस वन, दोनों साइड में हमने वन वन ऐड कर दिया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो दैट इम्प्लाइज आई जी एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में हो जाएगा आई जी प्लस आई एस इक्वल जी प्लस एस अपान एस। दैट इम्प्लाइज आई जी प्लस आई एस फ्रॉम फर्स्ट, आई जी प्लस आई एस इज इक्वल टू आई, हम उसको आई लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज आई अपान आई जी इक्वल टू जी प्लस एस अपान एस। दैट इम्प्लाइज यहाँ से यदि हम आई जी का वैल्यू फाइंड करना चाहें, आई जी इधर ट्रांसफर करो तो आई इंटू एस अपान जी प्लस एस। यहाँ पर एक फार्मूला आता है, ये प्रिंसिपल नहीं है लेकिन ये एक फार्मूला है जिसके हेल्प से हम अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इस कई जगह न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हमको यूज़ करना पड़ता है, यदि हमको आई पता हो, एस पता हो और ये जी पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि इस कंडीशन में थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। नाउ लेट, अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं एंथ पार्ट, एंथ पार्ट ऑफ करंट, नाउ लेट एंथ पार्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। सपोज गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट का एंथ पार्ट है, और अभी कितना पार्ट फ्लो हो रहा है, देखिए अभी जो पार्ट फ्लो हो रहा है
वो है आई जी अपान आई। थोड़ा ध्यान देंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जी अपान आई इज द पॉइंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। किसी भी चीज का पार्ट निकालने के लिए उसके पास जितना है उसमें टोटल को डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो दिस इज द पार्ट ऑफ करेंट। थोड़ा ध्यान से सुनिए यहां पर मेरी बात ना। दिस इज द पार्ट ऑफ करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड वी कंसिडर दिस इज nth पार्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, nth पार्ट, दैट मीन्स 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। अब आई जी अपान आई का वैल्यू हम यहां से पुट अप करते हैं। ये आई अपान आई जी है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए दैट इंप्लाइज एस अपान जी प्लस एस इक्वल इसका वैल्यू हो जाएगा 1/n। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एस इंटू एन इक्वल टू जी प्लस एस, दैट इंप्लाइज एस को इधर ट्रांसफर करके कॉमन कर लो तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू जी, दैट इंप्लाइज एस इक्वल टू जी अपान एन माइनस 1। ये संट का फार्मूला हो जाएगा। अब ये संट का हम प्रिंसिपल निकालें, यहां से हम इसको प्रिंसिपल को इनवर्ट क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस ऑफ द संट, रेजिस्टेंस ऑफ द संट इज इक्वल टू एन माइनस 1th पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। दैट मींस संट का जो रेजिस्टेंस है, संट का जो रेजिस्टेंस है वह गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का एन माइनस 1th पार्ट होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ संट, ध्यान से सुनिए, बार बार बता रहा हूं उसको मैं, द रेजिस्टेंस ऑफ संट इज इक्वल टू एन माइनस 1th पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब यदि किसी गैल्वेनोमीटर में हमको संट कनेक्ट करना है, यदि किसी गैल्वेनोमीटर में हमको संट कनेक्ट करना है तो उस संट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का एन माइनस 1th पार्ट होना चाहिए। फिर हमको ये भी बताना पड़ेगा व्हाट इज एन, तो हमने बता दिया है वेयर एन इज द पार्ट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, वेयर एन इज द पार्ट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। दैट मीन्स द कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ द संट इज द रेजिस्टेंस ऑफ संट इज एन माइनस 1th पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वेयर एन इज द पार्ट ऑफ करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ संट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप जब प्रिंसिपल लिखेंगे तो अपने नोट्स में यहां पर लिखेंगे, क्लियर? सबसे पहले नोट्स में स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, वहां प्रूफ होता है, ये संट कहलाता है। अब हम आगे संट के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि संट आगे आखिर करता क्या है, संट हमने क्यों बनाया, संट का क्या यूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अभी हमने जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा उसको हमको कन्वर्सन पढ़ना है कि वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। कन्वर्सन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो हम गैल्वेनोमीटर को दो चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट अमीटर एंड सेकंड इज वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, हम इसको अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अमीटर मतलब क्या काम आता है, करंट मेजरमेंट करने का काम आता है। तो अपने संट को, इसको सॉरी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अपन संट कनेक्ट करते हैं। जो अभी मैंने सर्किट बनाया था बराबर बताता हूं, वो इसका कन्वर्सन है। दैट मीन्स ये सर्किट गैल्वेनोमीटर और हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं संट,
ये जो सर्किट है यही अमीटर का सर्किट है। इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला निकालेंगे। सपोज इसमें आई जी करेंट फ्लो हो रहा है, टोटल करेंट आई है, तो इधर हम लिख सकते हैं आई माइनस आई जी, क्योंकि टोटल आई है, आई जी यहाँ चला गया तो इसमें आई माइनस आई जी हो जाएगा। क्लियर? तो छोटा सा डेरिवेशन है इसके लिए, फार्मूला देखिए। तो ये इसका जो पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल की इक्वल होगा, अभी मैंने बताया क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी इक्वल आई माइनस आई जी इंटू एस। दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो आई जी इंटू जी अपान आई माइनस आई जी। ये जो फार्मूला है वो संट का वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। मतलब यदि हमको किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है तो हमको इतने संट का वैल्यू इतना होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। दिस इज द कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर। दैट मीन्स टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर ए लो रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स इट इज संट। किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए हम उसके साथ में एक लो रेजिस्टेंस का वायर को पैरेलल कंबाइन करते हैं जो कि संट होता है। और यदि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, यदि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार आता है कि अपने पास इस तरह का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये ऐसा ऐसा है, उसको हमको अमीटर बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस का वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, इससे उसका कैलकुलेशन हो जाता है। क्लियर? इस फार्मूला में अमाउंट ऑफ जी, आई जी पता हो, जी पता हो, आई पता हो, हम संट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं अमीटर के जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे। अमीटर की प्रॉपर्टी कि अमीटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला ये कि कभी भी अमीटर को किसी सर्किट में, इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में उसको सीरीज में कंबाइन किया जाता है। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब अमीटर हमारे पास बन जाता है, जब हम अमीटर बना लेते हैं और उस अमीटर को जब हम किसी सर्किट में यूज करते हैं, देखिए यहां पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, वो समझता है कि हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए संट को पैरेलल कंबाइन किया था, पैरेलल उसके दिमाग में बैठे रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, व्हाट हैपेंड इफ ए अमीटर कनेक्ट इन एनी सर्किट विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होगा? तो उसका नीडल ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उतना हाई अमाउंट ऑफ करंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया, अमीटर ऑलवेज यूज सीरीज इन एनी सर्किट। अमीटर को किसी सर्किट में यूज करना है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे। जैसे यहां पर एक छोटा सर्किट बना देता हूं मैं, मान लो एक सर्किट है और यहां पर हमने कुछ भी डिवाइस लगा के रखा है, सपोज यहां पर हम एक बल्ब लगा के रखे हैं, यहां पर अमीटर कनेक्ट करना है तो अमीटर ऐसा कनेक्ट होगा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होगा। अमीटर किसी भी सर्किट के किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में होगा, है ना। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर। आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको जीरो होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन बिहेवियर बट आइडियल कंडीशन, मतलब एक अच्छा मीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, दैट मीन्स क्या हो, जीरो हो। ये भी कई बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव अगर पूछा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल अमीटर इज क्या, जीरो। क्लियर? तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। क्लियर? ये दो पॉइंट आप कभी नहीं भूलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। वोल्टमीटर ना ध्यान रखेंगे, कई बार स्टूडेंट इसको वोल्टामीटर कह देता है। वोल्टामीटर, वोल्टमीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। ये वोल्टमीटर है, नॉट वोल्टामीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल उसका वोल्ट कैलकुलेट करने का, कि उस सर्किट से कितने वोल्ट का करेंट फ्लो हो रहा है, ये काम आता है। तो इसका सर्किट किस तरह से होता है देखिए, इसमें
ये सपोज गैल्वेनोमीटर है जिसको हमको कन्वर्ट करना है किसी वोल्टमीटर में, तो इसके साथ हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये आर, ये हाई रेजिस्टेंस वायर है, ठीक उल्टा काम है। वहां हम एक लो रेजिस्टेंस के वायर को पैरेलल कंबाइन करते हैं, यहां पर हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर को इसके साथ में कैसा कंबाइन करते हैं, सीरीज। तो क्या हो जाएगा कन्वर्शन, इफ ए हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट विथ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज देन गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। क्लियर। जब हम किसी हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा डिवाइस क्या बन जाता है, अब ये हमारा डिवाइस क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया। अब ये वोल्टमीटर है, यहां पर हम इसके फार्मूला फाइंड करते हैं तो देखिए वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां पर वी इक्वल टू आई जी, आई जी इज करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये आई जी करेंट इसे फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, और इंटू आर यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस रजिस्टर, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ये जी प्लस आर, ये जी प्लस आर हो जाएगा। दैट इंप्लाइज जी प्लस आर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वी अपान क्या हो जाएगा आई जी। दैट इंप्लाइज यहाँ से हमको रजिस्टेंस निकालना है तो रजिस्टेंस निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपान आई जी माइनस जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस। मतलब जैसे अभी हमने संट का वैल्यू निकाला वैसे यहाँ पर रजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब यदि हमको किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है, तो कितने रेजिस्टेंस का वायर हमको यूज़ करना पड़ेगा, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले मैंने जो आपको बताया, एक कन्वर्सन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर एंड सेकंड इज कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्जाम तैयार कराया बताया, तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इवन आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम में इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसलिए मेरा आपको एक सजेशन है कि इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आप करिए। बाकी मेरा जो न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो होगा उस सेशन में भी आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी देखिए जो उसमें बताया मैं आपको, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी। फर्स्ट ये कि किसी भी वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में कैसा कंबाइन करते हैं, पैरेलल कंबाइन किया जाता है। मतलब यदि किसी सर्किट में हमको वोल्ट मीटर कंबाइन करना है तो पैरेलल कंबाइन करेंगे। सपोज ये कोई सर्किट है तो यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर यूज करना है तो वोल्ट मीटर को ऐसा यूज किया जाएगा, और ये हमारा सर्किट है। आ रही बात समझ में, ये कभी नहीं भूले आप, ये बहुत सार्प कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि वोल्ट मीटर ऑलवेज यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्यों, मैं आप बात मेरी समझ रहे होंगे कि मैं बार बार इतना क्यों जोड़ दे रहा हूँ। जब इसको कन्वर्ट करना होता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होता है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो किसी सर्किट में पैरेलल कंबाइन होता है। बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट उल्टा सीधा कर लेता है, उसको ये वाला याद रहता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीरीज लिख देता है, ऐसा नहीं है, उल्टा उल्टा काम होता है। कन्वर्शन में उसमें सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाता है और खुद को किसी सर्किट में अपने आप को उसको ज्वाइंट कराना है तो कैसे ज्वाइंट होगा, वो पैरेलल। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। अमीटर का जस्ट उल्टा उल्टा होता जा रहा है। देखिए अमीटर, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो ये होता है, ये मैंने दोनों का कंपेरेटिव बताया। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर एंड कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर आल्सो। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड था। मैंने थ्री इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया, टू, एक तो उसका टाइप है, फर्स्ट इज गैल्वेनोमीटर एंड नेक्स्ट इज संट एंड कन्वर्सन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर एंड वोल्टमीटर।
अब इस चैप्टर का मेरा जो फोर्थ सेशन होगा, मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड होगा। ओनली वन टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार अल्टरनेट ईयर में या कभी कभी कंटिन्यूअस ईयर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। क्लियर? तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और साइक्लोट्रॉन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।